हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट। दोस्तों, कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट? क्या डीवी में और मेडिकल में सभी कैंडिडेट्स को, जिन जिन लोगों को बुलाया गया था, सभी का सिलेक्शन पक्का है या उसके बाद भी कोई मेरिट लिस्ट जारी होगी? और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम था उनको सिलेक्शन हो पाएगा, उनको मौका मिल पाएगा, या उनका नाम ओनली वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा? फाइनल रिजल्ट के कितने दिनों बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है? आपके घर पे कितने दिनों बाद कॉल लेटर आता है? दोस्तों, वन बाय वन अपन सभी आज इन क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है आरआरसी के द्वारा। ये ओनली एक जनरल कन्वर्सेशन है आपके और मेरे बीच में। जिन कैंडिडेट्स ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था या उसमें वो अपीयर हुए थे, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, अपन बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। दोस्तों, आपने डीवी दिया होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हुआ होगा। दोस्तों, डीवी जैसा ही होता है तो उसके बाद आपको एक स्लिप प्रोवाइड कर दी जाती है। स्लिप में आपका जो सेंटर रहता है मेडिकल, वो अलॉटेड रहता है। जैसे आप मेडिकल सेंटर के पास पहुंचते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर जैसे ही वो आपको बताते नहीं हैं कि आपका फिट हो, आप अनफिट हो या फिट हो, आपको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। दोस्तों, आरआरसी जो आरआरसी की साइड से सभी हॉस्पिटल्स को आदेश रहता है, जहां पे मेडिकल टेस्ट हुआ है, कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम चल रही हो, तो उन्हें 7 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट चाहिए रहती है। 7 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल वाले आरआरसी को वो रिपोर्ट सेंड कर देते हैं। आरआरसी के पास जब से दोस्तों आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और अभी आपका मेडिकल टेस्ट चल रहा है, दोस्तों वन बाय वन सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रॉपरली अरेंज रहते हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट उनके पास जाती है, 7 डेज के अंदर उन्हें भेजना पड़ता है। जैसे ही वो आरआरसी के हेडक्वार्टर पे पहुंचती है तो वहाँ पे वो रिपोर्ट चेक होती है। वहाँ पे लिखा रहता है कि ये बच्चा अनफिट है या फिट हैं। अगर फिट होंगे दोस्तों, तो सभी के सभी जो आपके पैरामीटर्स वहाँ पे चेक किए गए थे कि ये टेस्ट हुए इसमें फिट पाए गए, वो वहाँ पे चेक कर लेंगे। अनफिट रहेंगे तो आपको रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा और जो हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स रहते हैं वो साइन करके उसे वापस रिसेंड कर देते हैं। फिर आगे दोस्तों, आगे होता ये है कि जैसे ही अगर आप फिट पाए गए तो आपका आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा। आगे का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वो रहता है पीवीआर। अब आप पूछेंगे ये पीवीआर क्या होता है? पीवीआर स्टैंड्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में जो आपके नज़दीकी कलेक्टर ऑफिस पड़ता है, वो एक फॉर्म वहाँ पर भेजा जाता है। ये फॉर्म भेजते हैं आरआरसी वाले हेडक्वार्टर्स वाले ऑफिसर्स। जैसे ही वहाँ पर वो फॉर्म आ जाता है, उसमें मेंशन रहता है कि ये कैंडिडेट्स को प्लीज़ आप चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि इनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, या ये कोई इनलीगल एक्टिविटी में पकड़ाए तो नहीं है। दोस्तों, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो पड़ता है आपके विलेज में, टाउन में या सिटी में, वहाँ पे ये फॉर्म जाता है। वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर है या हेड कॉन्स्टेबल हैं, वो आपके घर पर आते हैं और आपको चेक करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे, आसपास वालों से पूछेंगे और उस फॉर्म पे आपके साइन करवा लेंगे और फिर वो वापस आपके कलेक्टर ऑफिस पे सेंड कर देंगे। कलेक्टर ऑफिस जैसे ही चेक करता है कि नहीं, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल अभी आपका जो एजुकेशन है कंप्लीट कर रहे हैं और ये बहुत फिट एंड फाइन है इस जॉब के लिए, तो दोस्तों वो सील स्टाम्प करके वो वहाँ पर आरआरसी के हेडक्वार्टर पर वो फॉर्म सेंड कर देते हैं। फिर जैसे ही वो उनको मिलता है दोस्तों, तो उसके आगे आपका कॉल लेटर जारी होता है। कुछ कमिटी मेंबर्स बैठते हैं और आपकी पूरी फाइल चेक करते हैं, उसके बाद आपका कॉल लेटर जारी होता है और वहाँ के बड़े ऑफिसर्स उसको साइन करके कॉल लेटर आपके घर पे सेंड कर देते हैं। कॉल लेटर जैसे ही आपके घर पे पहुँचता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का टाइम मिलता है। आपको 15 दिन के अंदर उसका फीडबैक देना होता है। अगर आप 15 दिन के अंदर फीडबैक दे पाए तो ठीक है, पर 16वें दिन से वो फॉर्म की कोई मान्यता नहीं रहती है, वो सीट फिर दूसरे कैंडिडेट्स को मिल जाती है और दूसरा कैंडिडेट्स उस पर जॉब करने लगता है। दोस्तों, ये अपना पहला वो हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होता है और कितने दिनों में तैयार किया जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, फॉर एग्जांपल दो कैटेगरी में आता है, एक जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और एक जो वेटिंग लिस्ट वाले उनके लिए। फॉर एग्जांपल एक जो डीवी का सेंटर चल रहा है और मेडिकल का भी चल रहा है, तो
एक इसमें बुला लिया गया है 100 कैंडिडेट्स को और दूसरी जगह बुला लिया है 105 को। दोस्तों ये 105 इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है और 100 वाले ओनली जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। दोस्तों किन्हीं किन्हीं कंडीशन में, सर्वाइव कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि 100 के 100 कैंडिडेट्स पहुँच पाते हैं, पर कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि 100 कैंडिडेट्स नहीं पहुँच पाते हैं। किसी किसी को मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है या किसी के फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो दोस्तों जो ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स रहते हैं इनको इसमें जगह मिल जाती है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट रहता है वो कट ऑफ के ऊपर बेसिस रहता है, सभी जोन का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है वो वेरी करता है फ्रॉम जोन टू जोन, और जो कट ऑफ आता है वो सभी जोन का वो एक जैसा नहीं आता है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट जो अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होता है, दोस्तों ऑब्वियसली वेटिंग लिस्ट वालों का जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं रहता है, उन्हें भी जॉब प्रोवाइड होती है क्योंकि जो इनका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है दोस्तों, अधिकतर कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं कि सभी के सभी, पर कम से कम 10 से लेकर 15 कैंडिडेट्स हर एक जोन में और हर एक RRC में दोस्तों कम से कम अनफिट या डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसके कारण डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं और रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलता है और अगर उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट और मेडिकल टेस्ट में अगर वो फिट पाए जाते हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया जाता है और उनका फिर PVR होता है दोस्तों। वन बाय वन ये स्टेप दोस्तों जैसे जैसे कंप्लीट होती जाती है और उसके बाद दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेके 1.5 दोस्तों कम से कम 1 से लेके 1.5 महीना लगता है इस सब प्रोसीजर को। और अभी आप सभी को पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है दोस्तों, कम से कम अभी आप मान लीजिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीना है आपके फाइनल रिजल्ट आने को। दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो एक फाइनल लिस्ट के द्वारा ही बताया जाएगा कि ये कैंडिडेट्स आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और इन सभी को अपन लिस्ट के द्वारा बुलाएंगे और एक आपको अटेस्टेड फॉर्म रहता है PVR, वो ले जाके दोस्तों सबमिट करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है RRC के हेडक्वार्टर पर, फिर वो फॉर्म आपके पास एक पुलिस जो हेड कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर वो लेके आते हैं, आपको क्रॉस चेक किया जाता है, फिर आपके पास जो RRC है उसके द्वारा एक कॉल लेटर आता है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। दोस्तों पहले PVR जो होता था वो जॉइनिंग के बाद होता था, बट रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि जो RRC अलाहाबाद है उन्होंने जॉइनिंग दे दी, फिर उसके बाद PVR हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन पे कुछ ना कुछ मुकदमा चल रहा था, तो फिर उनको जो डिस्क्वालीफाई और जो उनका पद था वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, बहुत सारे जो हंगामा हुआ। तो इसी के कारण जो इस बार है जो PVR का जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो पहले होता है, फिर ही आपका जो जॉब कॉल लेटर रहता है वो बाद में आता है। दोस्तों ये 1 बाय 1 जो प्रोसेस थी अपन ने वो देखी है। दोस्तों अभी कम से कम इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, कम से कम आपके पास 1 मंथ है दोस्तों। जिनका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल चल रहा है आप बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन मत कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का ज़रूर होगा ही होगा। और इस बार 110% दोस्तों जैसा कट ऑफ गया है और डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद अपन ने देखा कि जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, अधिकतर को चांस मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड और किसी से अदर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स और कुछ क्यूरीज हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसा